सबसे पहले बात करते हैं कि सेशन की, अभी सेशन क्या होता है। अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज द पीरियड स्पैनिंग बिटवीन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ हाउस एंड इट्स प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन इन द केस ऑफ लोकसभा। अभी प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है वो हम बात करेंगे, बट पार्लियामेंट मतलब लोकसभा या फिर राज्यसभा जब फर्स्ट उनकी सिटिंग होती है तब से लेके तब तक वो पूरे खत्म नहीं हो जाती है उसको हम सेशन बोलेंगे। द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम समन्स ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट। सो यहाँ पे कौन तय करता है कि कब वो आएंगे, तो वो प्रेसिडेंट तय करता है। बट यहाँ पे कंडीशन लिखी गया है कि मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स। सो इसका मतलब ये हुआ कि उनको मिनिमम 6 मंथ में एक बार तो मिलना ही मिलना है। सो इन अदर वर्ड्स द पार्लियामेंट शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, क्योंकि 6 महीने में एक बार मिलना पड़ेगा तो दूसरे 6 महीने में दूसरी बार हो जाएगा। सो इस तरीके से एक साल में मिनिमम 2 बार सेशन लेना पड़ेगा। सो देर आर यूजली 3 सेशन इन ईयर। हमने इस तरीके से फिर कन्वेंशन बनाया हुआ है। फर्स्ट बजट सेशन जो फेब्रुआरी से मई में चलता है, देन जून में उनकी रिसेस होती है, देन होता है मॉनसून सेशन जो जुलाई से सितंबर में रहता है, उसके बाद अक्टूबर में रिसेस होती है, एंड द विंटर सेशन नवंबर टू दिसंबर और जनवरी में यहाँ पे रिसेस रहती है। सो द पीरियड स्पैनिंग बिटवीन द प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस एंड इट्स रीअसेंबली इन अ न्यू सेशन इज कॉल्ड रिसेस। ठीक है, सो हमने यहाँ पे जो बात की कि बजट सेशन के बाद एक रिसेस आएगी, उसके बाद मॉनसून सेशन आएगा, उसके बाद एक रिसेस होगी, उसके बाद विंटर सेशन आएगा और उसके बाद अगेन रिसेस होगी और देन अगेन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का नया बजट सेशन आएगा। ओके, सो यहाँ पे याद रखना, जो लॉन्गेस्ट सेशन होता है वो आपका बजट सेशन है। आप देखो तो फेब्रुआरी मार्च अप्रैल में 4 मंथ के लिए होता है, और शॉर्टेस्ट जो सेशन रहेगा वो आपका विंटर सेशन रहेगा। तो ये पर्टिकुलर सेशन में ये काम करता है। यहाँ पे ऐसा फिक्स नहीं है कि इतने फेब्रुआरी टू में 4 मंथ काम करना ही करना है, वो पर्टिकुलर डेट दी जाती है, वो डेट पे ये काम किया जाता है। अब बात करते हैं आगे कि वो उनका टाइम कैसा होता है। मतलब हमें पता है ना जो जॉब टाइमिंग जैसे रहता है 9 to 5, कोई भी एम्प्लॉय अगर जाता है जॉब के लिए उसका टाइमिंग 9 to 5 रहता है, या फिर अगर शिफ्ट में काम करता है तो फर्स्ट शिफ्ट होती है, सेकंड शिफ्ट होती है, नाइट शिफ्ट होती है। तो यहाँ पे भी इन लोगों का एक टाइम पीरियड है कि वो उतने टाइम पे ये लोग मिलते हैं, और तो यहाँ पे भी इनका एक टाइम फिक्स रहता है। तो देखते हैं वो टाइम क्या है, मतलब उनका पूरा टाइम टेबल, उनका शेड्यूल किस तरीके का रहता है पूरे दिन का। सो लोकसभा के लिए याद रखना है, लोकसभा का टाइम स्टार्ट होता है 11 बजे सुबह और वो रहता है टिल 6 PM, बट राज्यसभा के लिए स्टार्ट होता है 11 और एंड होता है 5 PM। ओके, पूरा और डिस्कस करते हैं, पूरे टाइम को भी डिवाइड करें। सो याद रखना है 11 टू 12 जो पहला घंटा होगा उसको बोलेंगे हम क्वेश्चन आवर, देन 12 टू 1 इट्स कॉल्ड 0 आवर, 1 टू 2 इज लंच, एंड 2 टू 6 इन लोकसभा, एंड 2 टू 5 इन राज्यसभा इज कॉल्ड गवर्नमेंट बिजनेस, लेजिस्लेटिव बिजनेस। ओके, तो 11 टू 12 क्वेश्चन आवर वगैरह क्या होता है वो हम डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट सेक्शन में होने वाला है। तो क्वेश्चन आवर और जीरो आवर की बात हम बाद में करेंगे। जो गवर्नमेंट बिजनेस, जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है 2 to 6 PM का, उसमें मेन जो काम रहता है बिल पास करना, मोशन पास करना, रेजोल्यूशन पास करना, वो सब जो मेन काम रहता है वो हमारे 2 to 6 या फिर 2 to 5 के टाइम पीरियड में रहेगा, जहां पे कोई भी जो बिल होता है वो एक्ट बनता है और बजट वगैरह भी वहां पे ही पास होता है। राइट, तो ये आपको शेड्यूल याद रखना है, आपको